हेलो बच्चों, मानसरोवर विद्य विहार से आपके इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 2 भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में अभी से 2 वीडियो बनाए थे और आपने अच्छे से जानकारी प्राप्त की होगी, ऐसी मेरी आशा है। देखो बच्चों, आज हम नृत्य कला के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले हमने संगीत कला के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त की थी। ओके बच्चों, तो नृत्य कला में मैं आपको बता दूं कि उसका मूल संस्कृत शब्द क्या है, नृत्य पर से ये आया हुआ है, जिसमें ताल और लय के साथ क्या करता क्या साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का साधन है। नृत्य कला आदिदेव भगवान शिव का माना जाता है, इसलिए उनका नाम अलग से दूसरा पढ़ा गया है कि भगवान नटराज। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम कौन लाए थे? नटराज शिव लाए थे, ऐसी मान्यता है। भारत के सांस्कृतिक नृत्य के प्रकार में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिशी और मणिपुरी क्या है बच्चों? मुख्य है। अगर आपको पूछा जाए नृत्य कला के बारे में तो पहले क्या लिखना है, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? संस्कृत धातु नृत्य मतलब नृत्य करना से हुई। ओके, उसमें ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति करने का साधन है। नृत्य कला आदि देव भगवान शिव का माना जाता है और वो नृत्य सिखाने के लिए पृथ्वी से स्वर्ग पर सर्वप्रथम नटराज शिव इस कला को लेकर आए थे। भारत में शास्त्रीय नृत्य के प्रकार में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिशी और मणिपुरी क्या है बच्चों? मुख्य है। बराबर, उसमें भी आप देख सकते हो कि नृत्य कला के आदिदेव नटराज के जो मूर्ति है, जो एक चित्र आपको दिखाया गया है। बराबर बच्चों, अब उसमें हम पहले देखते हैं भरतनाट्यम। बराबर, अब देखो भरतनाट्यम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भरतनाट्यम एक कौन से राज्य का त्यौहार माना जाता है, मतलब कौन से राज्य का नृत्य कला है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु राज्य की एक कला मानी जाती है। और उसमें भी एक ये भरतनाट्यम जो एक प्रकार की नृत्य कला है, वो भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर रचित अभिनव दर्पण, ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्रोत है। मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र में मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला और हेमा मालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को क्या रखा है? जीवित रखा है बच्चों। देखो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि नाट्य शास्त्र और अभिनव दर्पण, ये दोनों पॉइंट आपको क्या करने हैं बच्चों? याद रखने हैं, जिसमें भरत मुनि रचित कौन सा है? नाट्य शास्त्र। और नंदिकेश्वर रचित कौन सा है? अभिनव दर्पण। बराबर, इसके जो आधार स्रोत माने जाते है। और भारत में इस विरासत को जीवित रखने का काम किसने किया है? मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण, फिर फिल्म क्षेत्र की अभिनेत्री वैजयंती माला और हेमा मालिनी ने भारत की इस विरासत को जीवित रखने का प्रयास किया हुआ है बच्चों। अब देखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली। इस नृत्य की रचना कब हुई थी? ईस्वी सन 15वीं सदी के दौरान हुई थी। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर आधारित और स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा की जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं में शामिल कर लिया गया है। देखो कुचिपुड़ी नृत्य, तो पहले आपको ये कहाँ से कौन सी सदी से ये दौरान आई? 15वीं की सदी दौरान आई। मुख्य रूप से ये स्त्री सौंदर्य का वर्णन पर क्या है बच्चों? आधारित है, तथा पुरुष स्त्री दोनों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य को कुचिपुड़ी नृत्य भी कहा जाता है बच्चों, जो भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं में क्या है? शामिल कर लिया गया है। और ये कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से क्या है बच्चों? प्रचलित है। बराबर, तो देखो पहले भरतनाट्यम था, वो कहाँ का प्रचलित था? तमिलनाडु का प्रचलित था। ऐसे ही ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ के प्रसिद्ध है बच्चों? बराबर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का ये विशेष रूप से प्रचलित है। उसमें गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू,
आदि प्रख्यात नर्तकों ने भी इस शैली के प्राचीन विरासत को क्या रखा है बच्चों, जीवित रखा है। बराबर, देखो कुछ ऊपरी नृत्य शैली 15वीं सदी के दौरान आई। बराबर, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा की जाने वाली कुचिपुड़ी नृत्य शैली को भारत के जो बुनियादी मुद्राओं में क्या किया गया, शामिल किया गया है। और ये कहाँ के प्रचलित है, आंध्र प्रदेश की प्रचलित है। इसमें गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और शोभा नायडू आदि ने इन नर्तकों ने इस शैली को क्या रखा है, जीवित रखा है बच्चों। अब देखते हैं कथकली। कथकली प्रख्यात कहाँ का है, केरल का प्रचलित नृत्य है जिसमें पौराणिक हमारे महाग्रंथ मतलब कि महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक के बाद में कथकली कहे गए है। संस्कृत और कौन सा, मलयालम मिश्रित नाटक बाद में ये क्या कहा गया है, कथकली कहा गया है। कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है बच्चों। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए रंगमंच पर प्रकाशित किए जाते हैं। नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा तीनों लोकों के पात्रों के चेहरे और हाव भाव हस्त मुद्रा में क्या रखते हैं, सजीव रखने का प्रयास करते हैं। देखो भरतनाट्यम कहाँ का था, तमिलनाडु का। फिर कौन सा आया था बच्चों, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है, केरल का है। जो किस पे आधारित है, हमारा जो महाकाव्य माना जाता है उसमें कितने श्लोक है पता है बच्चों, महाभारत के काव्यों में 1 लाख जो श्लोक उसमें है। जो संस्कृत और मलयालम मिश्रित भाषा में नाटक में इसको कथकली कहते हैं। और उसके वेशभूषा, उसके पात्र, उसके चेहरे की विशिष्ट मुखाकृति की समझना पड़ता है। बराबर बच्चों, तो उसमें नट कलात्मक मुकुट धारण करना, बराबर एक मुकुट होता है आपने देखा होगा, और नट मुकुट धारण करते हैं जिसमें एक ही तेल के दिए रंगमंच पर क्या किए जाते हैं बच्चों, प्रकाशित किए जाते हैं। नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीत का क्या देना पड़ता है बच्चों, परिचय देना पड़ता है। और हमारे तीनों लोक मतलब कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पात्रों के चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है। केरल के श्री वल्लभ थोल मतलब कला मंडल के कथकली कला मंडलम, कृष्ण प्रसाद, सेवारमन वगैरह इस शैली के देश विदेश में क्या लाया है, प्रसिद्धि दिलाई है बच्चों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी तो भी मैंने अपना वीडियो बनाया, क्योंकि आपका जो पढ़ना है वो ना बिगड़े, थोड़ी बोलने में तकलीफ होगी बच्चों, वो आपको थोड़ा सहन करना है। बराबर, अब देखते हैं कथक। देखो कथकली है ना, वो अलग है बच्चों, और कथक नृत्य है वो भी अलग है। इसमें एक बहुत उक्ति बहुत बार कथन किया गया है और बहुत प्रख्यात भी है, कथन करे सो कथन कहावे। बराबर, क्या है, कथन करे सो कथन कहावे। ये महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के नृत्य की कथाओं पर ये नृत्य आधारित है। बराबर, उस भारत में वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य का विकास हुआ। उसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य प्रसंग प्रदर्शित किए गए हैं। बराबर, पहले आपको क्या याद रखना है, कथक नृत्य की कौन सी एक उक्ति है, कौन सी उक्ति है बच्चों, कथक करे सो कथक कहा वे। और एक इस पे आधारित है, महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ जो नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है, जिसमें कौन से संप्रदाय के बारे में बताया गया है, वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ कथक नृत्य प्रचलित हुआ। उसमें क्या वो करना पड़ता है, गोल गोल घूमना होता है और नृत्य के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पायजामा ऊपर घेर वाले वस्त्र पहनती है। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया आदि ने इसको क्या, इस कला को क्या रखा है, जीवंत तो रखा है बच्चों। अब आगे की कला है मणिपुरी नृत्य। बराबर, मणिपुरी आपको पता है कि वो कहाँ पे, भारत में एक पूर्वोत्तर राज्य माना जाता है बच्चों। उसमें मणिपुर की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती है जिसको मणिपुरी नृत्य कहा जाता है बच्चों। और ये मुख्य रूप से कौन सी, श्री कृष्ण की जो बाल लीला है
और रास लीला पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य शैली लास्य और तांडव के दो प्रकार है। मणिपुरी के नृत्य शैली के कितने प्रकार है बच्चों? दो प्रकार है, लास्य और तांडव। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहनकर के कमर पर पट्टा बांधते हैं और नीचे घेरदार रंग का घाघरा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कुमिन पहनते हैं। वो आप बाजू में मणिपुरी नृत्य शैली में बराबर बच्चों आप देख सकते हो। गुरु ओमा बिन सी ओतमेम सी, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता आदि ने इस नृत्य को क्या है देश विदेश में प्रसिद्ध दिलाई है। अगर आपको 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मणिपुरी नृत्य जो बराबर जो कहाँ का है, मणिपुर का है, और उसमें हर प्रसंग पे हर उत्सव पे ये नृत्य बराबर ये नृत्य करते है। और ये मूल रूप से कहाँ के नृत्य शैली है, श्री कृष्ण के जो बाल लीला और रास लीला का आधारित है। और उसके नृत्य शैली के 2 प्रकार पड़ते हैं, लास्य और तांडव। इस प्रकार में इस नृत्य में रेशम के ब्लाउज पहन करके उसमें पट्टा बांधते हैं बच्चों, और घेरदार घाघरा मतलब क्या कुमिन पहनते हैं, जो बाजू के चित्र में आप अच्छे से देख सकते हो बच्चों बराबर। उसमें गुरु ओम आमोबिन सी ओतेबम सी, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता, इन नृत्य को देश विदेश में क्या दिलाई बच्चों, प्रसिद्धि दिलाई है। अब आगे का बहुत बड़ा पॉइंट ऐसा आ रहा है कि नाट्य कला बराबर, ये एक मनोरंजन पर आधारित है बच्चों। उसमें देखते हैं भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के और साथ क्या है, संस्कार देना भी है, एक संस्कार रही है। नाटक संचालन करने वाले सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाली विदूषक की जोड़ी भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है बच्चों। देखो ये जो नाट्य कला है उसमें विशेषता मनोरंजन भी होता है और हमारी संस्कृति भी दिखाई जाती है। उसके जो संचालक करने वाले सूत्रधार मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाली विदूषक की जोड़ी भारतीय नाटकों को क्या दिया है, अलग पहचान दिलाई है। भरत मुनि रचित कौन सा नाट्य शास्त्र इस कला में अति प्रचलित है? देखो बच्चों भरत मुनि रचित कौन सा है, नाट्य शास्त्र ये कला क्षेत्र में क्या है, बहुत प्रचलित है। नाट्य लेखन और मंचन द्वारा रंगमंच का दृश्य श्रव्य, दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना एवं अभिनव के त्रिवेणी संगम के साथ नाट्य कला सबको क्या करती है, आनंदित करती है। नाट्य कला किसके अति प्रचलित है, भरत मुनि की। उसमें बराबर रंगमंच का क्या होता है, दृश्य श्रव्य और अभिनय, ये त्रिवेणी संगम से नाट्य कला को क्या बनाता है, सबको आनंदित करता है। यह अबाल वृद्ध का मनोरंजन और लोक शिक्षण करने वाली भारतीय कौन सी कला मानी जाती है, बहुत प्राचीन कला मानी जाती है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं। वे नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य कला में नहीं हो। ये कौन बताते हैं बच्चों, भरत मुनि बताते हैं कि ऐसा कोई ये शास्त्र नहीं है बराबर, इसमें कोई ऐसा शास्त्र पढ़ना नहीं पड़ता, ऐसा कोई इसमें शिल्प नहीं है, ओके, ऐसी कोई विद्या नहीं या ऐसा कोई कर्म नहीं है जो नाट्य कला में न हो, सब आपको इसमें दिखाई देगा बराबर। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथा न कौन सा था, देवासुर संग्राम था। वो आपने अभी मुझे पता है कि इस छुट्टियों के समय में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें रामायण और महाभारत वो दोनों चलाया गया था, उसमें आपने ये देवासुर संग्राम के बारे में जाना होगा और अच्छे से सुना भी होगा। तो ये पहला नाटक बराबर कोई किसने रचा था, भरत मुनि ने उसको देवासुर संग्राम को देखकर एक नाटक बनाया था जो उनका पहला नाटक था। संस्कृत साहित्य के महाकवि भास ने महाभारत आधारित कौन सा, कर्णभार, उरुभंग और दूतवाक्यम जैसे नाटकों के विरासत में हमें दी है। देखो पहले कौन थे, भरत मुनि, जिन्होंने कौन से कला के कौन सा नाट्य शास्त्र दिया, नाट्य शास्त्र। फिर कौन आए, महाकवि भास, उन्होंने महाभारत आधारित कर्णभार, उरुभंग और दूतवाक्यम जैसे नाटकों की क्या दी, हमको विरासत दी है। बच्चों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक बना लेनी है और
नोटबुक में ऐसे जो पॉइंट है, मैं ऐसे पॉइंट को लिखते जाना है, एक लाइन छोड़ के पॉइंट को लिखना है, जिससे क्या हो कि पढ़ने में भी हमको आसानी हो। इसलिए आपको क्या बना लेनी है, एसेस की अच्छी से एक नोटबुक बना लेनी है। महाकवि कालिदास ने अभिनन, शंकुतलम, विक्रमोवेशियम, मालिका गिनेमित्रम नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं की है। देखो अभी तक कितने कवि आ गए, तीन थे। पहले भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र के कला को बहुत प्रचलित किया, जो एक प्रकार का ग्रंथ भी माना जाता है। दूसरा कौन था, महाकवि भास, जिन्होंने कर्णभार, उरुभंग और दूतवाक्यम जैसे नाटकों को क्या दी है, विरासत दी है। और तीसरे कौन थे, कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शंकुतलम, विक्रमो वसीयम, मालिका मालविका गिनीमित्रम सबसे बहुत नाटक प्रसिद्ध बनाए है। इनके उपरांत प्राचीन कला में नाट्य कला के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए, जिन्होंने संस्कृत नाट्य कला को क्या बनाया है, समृद्ध बनाया है। बच्चों गुजरात की नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदरी नाम का नाम सबसे ऊपर है, बराबर। गुजरात के जो नाट्य कला है उसमें जयशंकर की कौन सा, सुंदरी का नामक, बराबर सबसे ऊपर है। इसके उनके उपरांत अमरुक नायक, बापूलाल नायक, मतलब नंद बत्रीसी नाटक उन्होंने बनाया है ना बापूलाल नायक ने, प्राणसुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घेवाला आदि ने योगदान भी उल्लेखनीय है। इस नाट्य समाज और नाट्य संस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भवाई, बराबर ये आपको पता नहीं होगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब खिलजी वंश था, बराबर आपको पता है कि मुगल लोग हमारे भारत पे शासन करते थे, तभी एक असाई ठाकर नामक एक ब्राह्मण था, जो असाई ठाकर नामक ब्राह्मण, बराबर की जो बात है वो कम से कम 700 से 800 साल पहले की है, कि उसके घर में एक पटेल की जो लड़की थी वो काम करने आती थी और ये ब्राह्मण था। और तब ऐसा होता था, आपको पता है कि अंग्रेज भी थे और मुगल के जो लोग थे वो भी गांव में आते थे, और आपको पता है कि स्त्रियों को उठाकर लेकर जाते थे। मैं कहानी बता रहा हूँ जो सच है, उसके आधार पर आप अगर ये पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो उनको उठाकर लेकर जाते थे, तो इस असाई ठाकर के जो ब्राह्मण था उसके घर पे भी आए, और ये लड़की वहां क्या कर रही थी, बराबर अपना काम कर रही थी, तब उसको उठाने लेकर आए थे। तब क्या हुआ कि असाई ठाकर ने बोला कि ये तो मेरी बच्ची है, आप इसको मत लेकर जाओ। तब आजू बाजू के आपको पता है कि लोग होते, और ये मुगलों को भी पता था, मुगल लोगों को कि उनके सैनिकों को कि अगर ये इसकी बेटी है, बच्ची है, तो ये अपने इसके घर पे खाना खाएगी। आपको पता है कि पहले ऐसा होता था कि कोई जो नीची जाति है, जो अलग जाति है, उसके घर पे खाना खाने क्या पानी भी नहीं पीते थे बच्चों। ये आपको बहुत पुराना जो अलग अलग हमारे बहुत रूढ़िचुस्त परंपराएं थी उसमें आपको यह पता होगा, बराबर। तो वो उसके घर पे वो खाना खाती है, और जो आजू बाजू के गांव के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि इसके ने अपना धर्म क्या कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। तो इसको जो असाई ठाकर को गाँव से निकल देते हैं। फिर वो एक नाटक, बराबर एक मतलब नाटक कौन सा है, भवाई को प्रचलित करते हैं, और एक प्रकार का मनोरंजन वाला है बच्चों, बराबर। चलो ये नाटक कला और सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला हो ना बच्चों, तो वो सोलंकी युग में मिला था। चलो इसके बारे में देखते हैं, और एक आपको बाजू में फोटो दिया हुआ है जयशंकर का सुंदरी। भवाई, शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। भवाई गुजरात की लगभग कितनी 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्य कला है। मैंने बताया अभी कि जैसे असाई ठाकर ने इसको शुरू किया था, सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाले इस नाट्य कला को कौन से युग में प्रोत्साहन मिला बच्चों, सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला। ज्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन में भूगोल वाद्य के साथ संगीत कला के नाटक और वेश, मतलब रामदेव वेश, जन झूलन वेश, बेमेल झोंके जोड़े वेश आदि है। उसमें जो रामदेव का वेश है ना बच्चों, बहुत पुराना माना जाता है। ये सब भवाई की विशेषता रही है। भवाई के विषय वस्तु में सामाजिक कुरीतियों के प्रकार का भी समावेश किया गया है।
जो कुरीति थी हमारे, वो तो आपको पता ही है ना बच्चों। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों में रंगीला, रंगीली और रंगला, ये दो पात्र थे। कौन सा? रंगला और रंगीली। जो कहाँ में पाया, कौन सा ये नाटक में पाया जाता है? भवाई नाटक में पाया जाता है। जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्य प्रयोग का आयोजन होता है। भवाई करने वाला भवाइया भूंगल वाद्य के बजाकर माता जी की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं बच्चों। अब उसमें आगे मैंने ये बताया, ये आपको अच्छी सी जानकारी अगर चाहिए है तो आप पता है यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये आपको अच्छे से नाटक आपको दिखाई भी देगा और समझ में आएगा। गुजरात के लोक नृत्य। गुजरात की लोकप्रिय प्रजा के विविध कौम में और जातियों में रूढ़िया, रीति रिवाज, परंपराएं, उसके अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास और अन्य लोक नृत्य गिनाए जा सकते हैं। त्योहारों, विवाह प्रसंग, मेला वगैरह, इस समय में ये नृत्य को आप देखने को मिलते हैं। चल उसमें एक देखते हैं बच्चों, आदिवासी नृत्य। गुजरात के आदिवासियों में होली और दूसरे त्योहारों पर विवाह अवसर, देवी देवता को खुश करने के लिए बराबर और मेले में ये नृत्य देखने को मिलता है। ज्यादातर नृत्य वृत्ताकार रूप से घूमते घूमते होता है बराबर। आपको पता है कि गर्मी में ऐसे गोल घूमते घूमते बराबर नृत्य करते हैं ना, वैसे भी ज्यादातर नृत्य वृत्ताकार स्वरूप में घूमते घूमते होता है। उसमें ढोल और रूढ़िगत मंजीरा, थाली, तुरही, तंबूरा, ये ऐसे वाद्य यंत्रों के साथ स्थानीय बोली में गाने के साथ यह नृत्य होता है, जो आप बाजू में चित्र अच्छे से देख सकते हो बच्चों। ऐसे नृत्य में नृत्य से चारों नृत्य में मोर, गिलहरी, गोरिया जैसे पक्षियों का नकल होती है। कौन से नृत्य में? चारों नृत्य में मोर, गिलहरी बराबर और गोरिया जैसे पक्षियों के भी क्या करने की जाती है? नकल की जाती है, जो आप देख सकते हो ये बाजू में जो चित्र दिया गया है उसके, उनके जो आप मुकुट उनके देखोगे तो उसमें मोर के पीछ जैसे लगे हुए देख सकते हो बच्चों बराबर। ये उनकी एक प्रकार के क्या किए जाते हैं? नकल की जाती है। डांग में भी ऐसा मालिनो चाडो तथा डाकिया चाडो नृत्य देखने को मिलता है। कहाँ पे? डांग जिले में। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन ऊपर टकरा कर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। वे कौन से नृत्य में? भील और जो कोली जाति होती है ना बच्चों, वो कौन से नृत्य होते हैं? टिप्पणी श्रमहारी नृत्य, जिसमें लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन ऊपर टकरा कर वो तालबद्ध क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है गरबा। मैं बताऊं कि ये जो गरबा शब्द है ना बच्चों, वो गर्भ जो द्वीप है वहां से आया है। जहाँ आपको पता हो कि बड़े बड़े जो उनके लोगों के छोटे घड़े होते हैं ना, ओके, उनके छिद्रों वाले घड़ों में मिट्टी के होते हैं बराबर। उसमें क्या करते हैं? दीपक प्रज्वलित करके बराबर करके और फिर उसके चारों ओर या चारों सिर पर रखकर क्या किया जाता है? वृत्ताकार नृत्य करना, इसको हम क्या मानते हैं? गरबा मानते हैं। समग्र गुजरात में नवरात्रि 81 सुदी, वो 1 से 81 सुदी 9 बराबर, टोटल कितने दिन? 10 दिन या 9 दिन शरद पूनम के दौरान गरबा खेला जाता है। उसमें कौन सी माता का पूजा और आराधना की जाती है? माँ जगदम्बा की पूजा और आराधना। इस पवित्र पर्वों पर गुजराती स्त्रियां माता जी का गरबा गाती है। सामान्य रूप में चौक या मैदान के बीच माता जी की मांडवी, मतलब बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाए जाने वाली बड़ी दीवट जैसी रचना की जाती है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार के तालियों के साथ ताल देकर और ढोल के थाप पर गरबा किया जाता है। वो तो आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा बच्चों। सामान्य रूप में गरबा गवाने वाला और गाने वाला ढोल और ताल पर गीत स्वर ताल लेकर एक ताली, दो ताली और तीन ताली ऐसे चुटकी बजाते हुए हाथ का हिलोर के साथ क्या किया जाता है? गरबा किया जाता है। गुजरात में गरबा उपरांत गाई जाने वाली गरबी का संबंधित अधिकांश श्री कृष्ण के भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों। आपको पता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपियों के साथ रासलीला जो की थी उसके साथ ये गरबी जुड़ा हुआ है। गरबा देखो, गरबा और गरबी दोनों अलग है बच्चों। गरबा कौन खेलते हैं? स्त्रियां। और गरबी बराबर एक गर्भद्वीप से निकला हुआ, एक मैंने आपको बताया कि
गर्भदीप से निकला हुआ है। और आपको बता तो गर्भी है ना वो पुरुष खेलते हैं और गरबा स्त्रियों का है। बराबर। गुजराती कवि दयाराम ने गोपी भाव के श्री कृष्ण प्रेम और रंग भरे गरबियों की रचना की है जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंठ में गूंजता है। कौन सा कवि? दयाराम के बारे में। ओके बच्चों, आज हम यहां तक रखते हैं। आपको अच्छे से अलग अलग नृत्य के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त ही हुई होगी। ओके, और खूब सा अच्छे से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और आपको ये वीडियो बार बार देखना है, और बार बार अगर सुनोगे तो भी अच्छे से याद रह जाएगा। और आपको जितने पॉइंट मैं रोज चला रहा हूँ वो अपने नोटबुक में लिखना है, जिससे क्या हो कि आपने आपके जो लिखने की प्रैक्टिस भी क्या हो बच्चों, आगे बढ़े। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। ओके, जय हिंद, जय भारत।